एकर सपा उम्मीदवार बसपा सांसद आज करेंगे अपना नामांकन। आज ही गैंगस्टर मामले में भी आना है फैसला। गाजीपुर जिले की कचहरी परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। लोकसभा क्षेत्र 75 गाजीपुर, यहाँ समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी अफजाल अंसारी को मैदान में उतारा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने पारसनाथ राय को अपना प्रत्याशी बनाया है। जग जाहिर है कि मनोज सिन्हा और अफजाल अंसारी की रंजिश है। मनोज सिन्हा इस समय जम्मू के एलजी हैं, अफजाल अंसारी गाजीपुर के बसपा सांसद है, सपा ने उनको टिकट दे दिया है। 5 साल लगातार याचनाओं और आरोपों के बीच अब वो घड़ी आ गई है जब अफजाल अंसारी अपनी वोट की ताकत से मनोज सिन्हा और भारतीय जनता पार्टी को ये दिखाने वाले हैं कि आखिर दबदबा जिले में किसका होगा। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूरा कुनबा, पूरे समर्थक सदमे में हैं, और आज लोकसभा चुनाव का नामांकन कर अफजाल अंसारी इस मामले को फ्रंट पर लाने के लिए अपने संघर्ष की घोषणा करने वाले हैं। लेकिन सबसे दुखद तस्वीर ये है कि आज भी अफजाल अंसारी दो पार्टों के बीच खड़े हैं। एक तरफ उनको उनके गैंगस्टर वाले मामले में कोर्ट से फैसला आना है, और दूसरी तरफ आज उनको अपना नामांकन भी दाखिल करना है। यानी याचना और रण दोनों एक साथ अफजाल अंसारी का पीछा नहीं छोड़ रहा है। नामांकन दाखिल करने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर समर्थकों की तादाद हजारों की संख्या में मौजूद है। जिले के सभी विधायक मौजूद हैं जो समाजवादी पार्टी के हैं, विधान परिषद सदस्य पूर्व मौजूद हैं, और तमाम दिग्गज मौजूद हैं। लेकिन आज भी पहले याचना, इसके बाद रण की ताकीद लिखी जाएगी। अफजाल अंसारी आज दोपहर बाद नामांकन करने वाले हैं, और देखना है कि इस रण की घोषणा के बाद जिले की राजनीति आगे क्या होती है। गाजीपुर नामांकन कक्ष पर आप लोग खड़ा होकर इंतजार कर रहे हैं अफजाल अंसारी का? हाँ जी। क्या सब्सक्राइब नाउ and press the bell icon. Never miss an update.